एपिसोड 6 से शुरू होता है जहां पर हम लोग शिशी टोन के सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सुओ ने कानुमा की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी है। वो कह रहे होते हैं कि क्या कोई सुओ को जानता है, जिस पर कुछ लोग कहते हैं नहीं। वो लोग अब ये भी कहने लगते हैं कि बॉयफ्रेंड तो काफी खतरनाक है। सुओ अब वापिस जा रहा होता है, वहीं पर हाजिम उसकी काफी तारीफ करता है। वहीं पर नीरे भी सुओ से कहते हैं कि क्या तुम कुंग फू यूज कर रहे थे, जिस पर वो कहते हैं पता नहीं, मेरे जो टीचर थे वो सेल्फ टॉट थे, तो उन्होंने मुझे जो सिखाया मैंने वही सीख लिया। ये सुनकर नीरे इस बात को नोट करने लगता है। तभी हीरा की भी सुओ से कहते कि ये देखकर मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे अंदर भी इमोशन है। तो सुओ कहती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आती है, मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूँ, पर हारुका की वजह से मैं ऐसा हो गया। तो सुनकर हारुका कहते हैं कि मुझे ब्लेम मत दो, और जब हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो तुम फाइट को सीरियसली लेना। तो सुओ से कहते हैं नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम काफी बड़े सर दर्द हो। ये सुनकर हारुका से काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए जाता है। ये देखकर हिराकी कह रहा होता है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस यानी साकुरा का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा अच्छा है, ये लोग एक अच्छी टीम बनेंगे। तभी हम लोग कानुमा को देखते हैं जो कि अपने उसी दोस्त को थोड़ा सा साइड में घसीट ले आता है, और अब जैसे उसके दोस्त को होश आता है वो अब कानुमा से कहते हैं कि तो तुम भी हार गए, जिस पर कानुमा कहते हैं हाँ सब कुछ अब खत्म हो गया है, हम लोग अब शिशिटोन में नहीं है। ये सुनकर उसका दोस्त काफी हैरान होता है। ये देखकर चोरी कहते हैं कि अब मैं लड़ने जाता हूँ, लेकिन तभी टोगामी उसे कहते हैं नहीं, जिसके बाद वो बाकी सभी से कहते हैं कि अब कौन लड़ने आएगा। तो अब हारुका खड़ा होता है और कहते हैं कि लगता है मेरी बारी है। तभी अचानक से शिशिटोन का एक मेंबर खड़ा होता है, यह वही मेंबर होता है जिसने हिराकी को चैलेंज दिया था। वो सीधा खड़ा होकर हिराकी की तरफ इशारा करता है कि उससे लड़ना है। तो अब हिराकी भी हारुका से खड़ा होकर कहते हैं कि मैं लड़ने जा रहा हूँ। तो हारुका से गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्यों, जिस पर हिराकी उसे कहते हैं कि तुम बाद में लड़ने ना, और तुम्हारा अपोनेंट टोगामे है, मुझे लगता है कि वो तुमसे लड़ने में भी इंटरेस्टेड है, और जो मेरा अपोनेंट है वो शिशिटोन के सेकंड इन कमांडर है, तो उससे मुझे लड़ना चाहिए। तो हारुका से कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ, जिस पर हिराकी कहते हैं नहीं तुम जीत सकते हो, पर ये फाइट मुझे लड़ने दो। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। वो शर्मा के हिराकी से कह रहा होता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जीतूंगा या फिर नहीं। वहीं सुओ कहने लगता है कि लगता है हिराकी और उसका अपोनेंट एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो सुनकर हाजी में कहते हैं कि हिराकी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, पर ऐसा हो सकता है कि वो फ्रेंड के आउटसाइड भी लोगों को जानता है। हम लोग अब देखते हैं कि हिराकी का अपोनेंट का नाम साको है। चोजी अब उसे गुड लक दे रहा होता है। वहीं पर टोगामे भी अब साको से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एक दिन वन ऑन वन फाइट करने के लिए कहोगे, तुम्हारे और हिराकी के बीच में कुछ है क्या? तो साको उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, वो अब सीधा स्टेज पर चला जाता है। वो देखकर टोगामे कहते हैं कि साको मुझे कुछ भी नहीं बताता है कि वो आखिर सोच क्या रहा है। तो चोजी कहते हैं कि वो छोड़ो, मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि साको बॉयफ्रेंड के चार किंग में से एक किंग से कैसे लड़ने वाला है। हिराकी वहीं पर साको से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, तुम काफी बड़े हो गए हो, तो अभी तुम शिशिटोरिन के अंदर हो, लगता है कि इस फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर माफ करना इस फाइट को मैं ही जीतने वाला हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि साको अब हिराकी के ऊपर हमला कर देता है, तो हिराकी भी उसके मोस्टली सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। साको अब हिराकी से कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम जीतोगे, लगता है तुम अभी भी मुझे नीचा दिखा रहे हो, तुमसे मुझे घिन आ रही है, मेरे जिस वर्जन को तुम जानते हो वो अब जा चुका है और मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वापस से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की चल रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर टोगामे भी कहते हैं कि साको तो एक काफी अच्छा फाइटर है, जिस पर चोजी कहते हैं कि ऐसा तो होगा ही क्योंकि साको मेरी पांच फिंगर्स में से एक है, वो बिल्कुल हिराकी से मैच करता है, वो उसी की बराबरी का है। टोगामे कहते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि साको आखिर सोचता क्या है, पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उन सबसे ज्यादा लड़ा है, जब उसने पहली बार हमें ज्वाइन किया था तो वो अपने आप को बर्न करने वाला था। चोजी कहते हैं कि इससे मुझे ये याद आया कि साको ज्यादा बात नहीं करता है, वो बस शॉर्ट आंसर ही देता है, जिस पर टोगामे कहते हैं हाँ, पर ये फाइट देखकर लगता है कि साको हिराकी के बारे में काफी ज्यादा सोचता है। हम लोग अब देखते हैं कि हिराकी जब साको से लड़ रहा होता है तो साको उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और वो हिराकी से ये बताते हैं कि तुम्हारे मुक्के काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तुमसे ताकत के ऊपर ही निर्भर होते हो। वो बेसिकली अब हिराकी को उसकी गलतियां बता रहा होता है, जिसके बाद वो उसे मुक्का मार के हिराकी को थोड़ा सा पीछे कर देता है। वो अब हिराकी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, उस पर हिराकी कहते हैं पर तुम तो चेंज हो गए हो, तुम काफी ज्यादा बात करने लगे हो अब, जब तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे तो उस समय भी तुम बात नहीं करते थे। ये सुनने के बाद साको थोड़ा सा और गुस्सा होता है और अब वो हिराकी के ऊपर थोड़े से और तेजी से हमले करने लगता है। साको की स्पीड अब काफी तेज हो जाती है, जिसे हिराकी अब देख भी नहीं पा रहा होता है। साको अब घूमकर हिराकी को काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। हिराकी की अब थोड़ी सी बुरी हालत हो जाती है, जिसे देखकर साको कहते हैं कि शायद से तुम बदल गए हो, तुम पहले ताकतवर थे पर अब कमजोर हो गए हो, ऐसा तब होता है जब तुम ऐसे बेकार के लोगों के साथ घूमते हो, तुम्हारी टीम के मेंबर काफी ज्यादा कमजोर हैं और बच्चे हैं। ये सुनने के बाद हारुका काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो हाजिमे से कहते हैं देखो तुम्हारी वजह से ही हम लोग को चिढ़ा रहा है, तुम इतने कमजोर हो क्या? ऐसा बोलने के बाद अब हिराकी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी नीरे उसे रोक लेता है। ये देखकर सुओ हंसने लगता है, तो नीरे से कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, जिस पर वो कहते हैं माफ करना, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि हारुका तो अपने दोस्तों की चिंता करने लगा है। ये सुनने के बाद हारुका शर्मा जाता है और कहते हैं कि मैं हिराकी की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस साको के ऊपर गुस्सा हूँ क्योंकि वो हम सभी को चिढ़ा रहा है। तो सुओ से कहते हैं ठीक है। तभी हाजिमा हारुका से कहते हैं कि शांत हो जाओ, और साको से कहते हैं कि हिराकी बॉयफ्रेंड के से फोर किंग में से एक किंग है, स्पेशली वो हमारा टेमोन है,
यानी कि हेड, क्या तुम्हें टेमोन का दूसरा नाम पता है? तो साको कहते नहीं। तभी साको देखता है कि अब हिरागी उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखने के बाद अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिरागी अब कहने लगता है कि काफी समय से मैंने ऐसी पावरफुल किक नहीं खाई थी, ये किक तो मुझे सही में लगी। ऐसा बोलने के बाद हिरागी काफी जोर से जमीन पर मुक्का मारता है। ये देखकर साको थोड़ा सा पीछे हो जाता है। हिरागी अब साको से कहते हैं कि मैं काफी बेवकूफ लग रहा हूँ, तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, तुम बिल्कुल एक अलग पर्सन लग रहे हो। तभी हाजी में हम सभी लोगों को बताने लगता है कि टेमोन को बिशप माउंटेन भी कहा जाता है। वो एक वॉरियर गॉड होता है जो कि कॉम्बैट को गवर्न करता है। हिरागी अब खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी चिढ़ा रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है, लगता है ये मेडिसिन भी काम नहीं करने वाली है। पर अभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसके बाद हम लोग को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साको काफी ज्यादा छोटा है और उसे वहाँ पर काफी सारे बच्चे अब आकर बुली करने लगते हैं, वो भी बिना बात पर, जिसके बाद अब उसे मारना भी शुरू कर देते हैं और वो उसे कमजोर बुला रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ पर हिरागी आ जाता है। सीन अब वापस से प्रेजेंट आता है जहाँ पर हिरागी और साको की फाइट अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। ये देखकर सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसी फाइट हर दिन देखने को नहीं मिलती है। वहीं पर अब हारू का भी कह रहा होता है कि हिरागी तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वो कहते हैं कि इसलिए तो हिरागी फोर किंग में से एक किंग है। टाउन में सभी को पता होता है कि फोर किंग कितने ताकतवर हैं। तो हारू का कहते हैं कि लेकिन हिरागी को एक किंग की तरह एक्ट करना चाहिए। तो सुओ से कहते हैं कि भले हिरागी शुरुआत से ताकतवर हो पर तुम उसे काफी मोटिवेट करोगे। ये सुनकर हारू का भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि हिरागी अब साको को थोड़ा सा हरा रहा होता है। उनकी बैटल देखकर साको कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की बैटल है, साको तो काफी ताकतवर है। इस पर टोगामे कहते हैं हाँ है तो, पर हिरागी के पास सभी एडवांटेज है। हम लोग अब देखते हैं कि हिरागी साको को घूम कर एक काफी जोर सी राउंड हाउस किक मारता है। इससे साको की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। वो हिरागी से कहते हैं कि तुम्हें तो इस समय पर मुझसे कमजोर होना चाहिए था, तो आखिर तुम इतना इजीली ऐसे लोगों के पास कैसे रह पा रहे हो, यानी कि बोफुरिन के साथ कैसे रह पा रहे हो। इसके बाद हम लोग को वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरागी ने उन सभी बच्चों को हरा दिया जो कि साको को परेशान कर रहे थे। साको हिरागी से कहते हैं कि तुमने मेरी मदद क्यों करी? तो हिरागी कहते हैं कि क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए वो तुम्हें छेड़ रहे थे। क्या मैं उन्हें तुम्हें बुली करने देता? तुम्हें काफी सारी चीजें सीखनी होगी, इस तरीके से चुप मत रहा करो, थोड़ा सा लड़ना सीखो। हिरागी अब उसको खड़ा होने में मदद कर रहा होता है। तभी साको से कहते हैं कि प्लीज मुझे लड़ना सिखा दो। तो हिरागी उसे कहता है ठीक है। और अब शाम को हम लोग देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। साको मन में कह रहा होता है कि हिरागी उस समय पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, भले ही तुम खुद से ट्राई नहीं करते थे, पर नेचुरली तुम्हारे अराउंड एक ग्रुप बन गया था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उसी समय पर मेरे लिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, मैं अपने दिल से काफी ज्यादा प्राउड फील करता था कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। पर एक दिन कुछ और ही हुआ, जिसके बाद हम लोग को ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है। साको हिरागी को कांग्रेचुलेशन करके कहता है कि आप फुरिन में जाने वाले हो क्या? जिस पर वो कहते हैं हाँ। ये सुनकर साको कहते हैं कि इसका मतलब तुम वहाँ पर टॉप पर हो गए क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो, और मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करके अगले साल फुरिन ज्वाइन करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा नंबर वन बनने में। साको मन में कह रहा होता है कि मैं हमेशा से ये बिलीव करता था कि तुम फुरिन के टॉप पर रहने चाहिए हो। तभी हिरागी साको से कहते हैं कि तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि फुरिन में जाकर मैं खाजी में नाम के पर्सन के अंडर काम करने वाला हूँ, तो मैं टॉप पर नहीं रह सकता हूँ। भले तुम मुझे फॉलो करो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें एक न्यू गोल ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद हिरागी सीधा वहाँ से चला जाता है। हिरागी के बात सुनने के बाद साको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि साको काफी गुस्से में काफी सारे लोगों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर टोगामे चोजी के साथ आता है। टोगामे अब साको से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो, तुमने इन सभी लोगों को अकेले मारा, क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे? जिस पर साको कहते हैं कि क्या तुम्हारी टीम में स्ट्रॉन्ग पर्सन है? जिस पर टोगामे कहते हैं हाँ, हम लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि ताकत ही सब कुछ है, हम लोग ताकतवर पर्सन को ही एक्सेप्ट करते हैं, जितने ताकतवर तुम हो उतना ही तुम ऊंचा जा सकते हो। वो सुनकर साको कहता है कि मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे सिर्फ ताकतवर लोग चाहिए लड़ने के लिए, ताकि मैं ताकतवर बन सकूं और हिरागी को हरा कर उसे पछतावा करा सकूं। सीनियर प्रेजेंट कहता है जहाँ पर साको हिरागी से कहता है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं तुम्हारा अपोजिट हूँ, मैंने बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाए हैं, मैं बस ताकतवर होने में फोकस कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हिरागी के ऊपर हमला करने आ जाता है। हिरागी भी उसके अटैक को समझ जाता है और अब उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी साको छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। और अब वो घूमकर हिरागी को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी हिरागी घूमकर उसके मुंह पर लात मार देता है, जिसके से साको की थोड़ी सी बुरी हालत हो जाती है। पर फिर भी वो कह रहा होता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं ऐसे पर्सन से नहीं हार सकता हूँ जो कि खुश है दूसरे लोगों को सर्व करके। ऐसा बोलकर वो वापस से हिरागी को मुक्का मारने वाला होता है, पर हिरागी उसके मुक्के को रोक लेता है और अब उसे कहता है मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया और ना ही मैं कर पाऊंगा। ये सुनकर साको ब्लैंक हो जाता है। तभी हिरागी उसके पेट पे उसे मुक्का मार के थोड़ा सा हरा देता है। साको अब मन में हिरागी से कह रहा होता है कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उस टाइम पर भी मेरी चिंता कर रहे थे, ये कहकर कि मैं एक नया गोल ढूंढ लूं, मैं ये नहीं सुनना चाहता था, मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रहा था, पर फिर भी हमेशा से ही मेरे गोल तुम रहे हो,
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके अंडर काम करो और कहां पर काम करो, मैं बस यह चाहता था कि तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं। सीन प्रेजेंट का आता है जहां पर हम लोग साकू को देखते हैं जो कि बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो अब हिरागी भी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जहां पर वो साकू के साथ आराम से बैठा हुआ था। तभी साकू से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम टॉप पर रहना डिजर्व करते हो और जब तुम टॉप पर आ जाओगे तो उसके बाद भी मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा। ये सुनने के बाद हिरागी थोड़ा सा शर्माने लगता है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहां पर हम लोग शिशी टोन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो कि अब विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि साकू हार गया है। वो सभी लोग अब हिरागी की तारीफ कर रहे होते हैं, हिरागी के सभी साथी भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर अब चोजी कहते हैं कि साकू तो हार गया, हिरागी तो सही में ताकतवर है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तभी टोगामी खड़ा होता है और अपने बाकी मेंबर से कहता है कि कोई भी आओ और साकू को स्टेज के ऊपर से फेंक दो। ये सुनने के बाद कोई भी सामने नहीं आ रहा होता है तो हिरागी टोगामी से कहता है कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, साकू को उठाकर आराम से साइड में मैं कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो साकू को लाकर आराम से साइड पर रख देता है। ये देखकर टोगामी हिरागी से कहते हैं शुक्रिया, पर तुम्हें साकू के साथ इतना जेंटल होने की जरूरत नहीं है। टोगामी आप साकू को पकड़कर फेंकने वाला होता है, पर तभी हिरागी टोगामी के हाथ को पकड़ लेता है। हिरागी अब उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम वेट करो, पहले अपना मैच लड़ लो, साकू को बाद में संभाल लेना। ऐसा बोलने के बाद वो टोगामी के हाथ को काफी जोर से दबाने लगता है और उसे कह रहा होता है कि किसी को भी कुछ नहीं पता है कि क्या हो जाए। तब टोगामी अपने हाथ को साइड कर लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हिरागी कहते कुछ भी नहीं, मैं तो खुद से ही बात कर रहा था, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से तुम अपने साथियों को फेंक देते हो ऐसे करने से तुम्हारी टीम ताकतवर बनेगी। वो सुनकर टोगामी कहते हैं कि तुम खुद से जरा तेजी से बात करते हो, तुम्हारी बात तो मैं भी सुन पा रहा हूँ। जिसके बाद अभी हिरागी वापिस से बैठने जा रहा होता है, तभी हारुका और बाकी सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं उसकी जीत के लिए। वहीं पर नीरव थोड़ा सा घबरा रहा होता है, वो अब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं हिरागी से साकू के बारे में कुछ पूछ पाऊंगा। जिसके बाद अब हिरागी जाकर बैठता है, तभी हाजिमा उसे कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी राउंड हाउस किक तो काफी कमाल की थी। तो हिरागी कहते हैं हाँ, लेकिन क्या तुम मुझसे साकू के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते हो, और क्या ये नहीं पूछना चाहते हो कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो हाजिमा उसे कहते हैं कि क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो। जिस पर हिरागी कहते हैं नहीं। तो वो सुनकर हाजिमा कहते हैं तो फिर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे तुम बता देना साकू के बारे में, उस समय मैं जरूर सुनूंगा। ये सुनकर हिरागी खुश हो जाता है और अब वो हाजिमे से कहते हैं ठीक है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो जरूर से प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।